कमिटी ऑफ सेवन हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. 9 बॉयज हैं यहाँ पे और हमारे पास 4 गर्ल्स हैं. इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट में है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तो लेनी लेनी है. तो गर्ल्स हैं कितनी मेरे पास, 4 हैं, तो 4C3 हो गया मल्टीप्लाई में, लेकिन और आएगा. क्यों? क्योंकि हमें जो कमिटी बनानी है वो बनानी कितने की, 7 मेंबर्स की. तो अगर तुमने 3 गर्ल्स सिलेक्ट की हैं तो इसका मतलब है अभी 7 कंप्लीट करने के लिए हमें 4 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो 9 बॉयज हैं मेरे पास, तो 9 में से 4 को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा. यस और नो बताइए जरा, और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. सॉल्व तुम लोग करोगे, सॉल्व तुम लोग करोगे, बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, निकालो. तो ये आ जाएगा 4C3 इंटू 9C4. इसको सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, करो जरा सॉल्व. 4C3 इंटू 9C4 हो जाएगा हमारे पहले पार्ट का आंसर. और कितना है आंसर इसका पूरा बताओ जरा फटाफट. फाइव जीरो फोर बता रहे हैं आप लोग. ओके चलो, पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ गया, आप लोग बता रहे हैं 504. सेकंड पार्ट सबका 504 आया है. ओके, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए. कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम. कितनी गर्ल्स मैक्सिमम हो सकती हैं, हमारे पास 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं तो मैक्सिमम 4 है. तो कम से कम 3 का मतलब है कि हम केस जो है वो 3 गर्ल्स दो. केसेस हमारे पास कितने बनेंगे, केस 1 वो हो सकता है जिसमें 3 गर्ल्स हम ले लें, और प्लस दूसरा केस हमारा हो सकता है केस 2 जिसमें हम 4 गर्ल्स ले लें, 4 से ज्यादा ले नहीं सकते. इसका मतलब तो यही हुआ ना, तो 2 केस बन रहे हो, केस के बीच में प्लस आता है. तो जब 3 गर्ल्स सिलेक्ट करोगे तो 4C3, क्योंकि 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, बाकी बॉयज लेने पड़ेंगे 9C4, क्योंकि 7 टोटल चाहिए, प्लस यहाँ पे दूसरा केस भी है. 4 गर्ल्स सिलेक्ट करी तो 4 में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, इनटू बॉयज इस बार हम 3 सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल 7 बन जाएंगे. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, इसको सॉल्व आप लोग कर लो. ठीक है, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कितना आ रहा है, निकालो जरा इसका आंसर. देखो ये तो सॉल्व कर चुके हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला बस सॉल्व कर लो, ये वाला पार्ट, और बताओ कितना आ रहा है. ये तो आपका 504 आ ही गया था, इसको देख लो जरा, फिर मैं थर्ड पार्ट आपको बताता हूँ. नहीं, ये 504 सही है, ये सॉल्व करो जरा, ये कितना है? ये तो 504 आएगा. ये बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट 504 के साथ, ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, ये 504 के साथ कितना आ रहा है, 504 के साथ ये वाला रिजल्ट कितना आएगा. डाउट कहाँ पर भक्ति डाउट आ गए तुम्हें, यानी ये 84 आ रहा है, कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, तो आंसर आएगा 588. आंसर आएगा 588. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या लिखा है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स. एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लेनी है. तो केस 1 में क्या हो सकता है, तुमने एक भी गर्ल नहीं ली, 0 गर्ल्स, प्लस केस 2 में क्या होगा, तुमने एक गर्ल सिलेक्ट कर ली, प्लस केस 3 में क्या होगा, तुमने 2 गर्ल सिलेक्ट कर ली, और केस 4 में क्या होगा, तुमने 3 गर्ल सिलेक्ट कर ली.
एटमोस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा तीन गर्ल्स सिलेक्ट करना है, तो केसेस क्या बने, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये तीन, ये चार केस बने, 1 2 3 4, ठीक है, 0 गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3 गर्ल्स, ठीक है। तो अगर 0 गर्ल्स है यानी कि 4 में से तुमने एक भी गर्ल सिलेक्ट नहीं करी तो मल्टीप्लाई, तो सारे के सारे तुम्हें बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी 9 सी 7, 9 लड़के थे, 9 में 7 सिलेक्ट करने पड़ जाएंगे। प्लस दूसरा केस, एक गर्ल सिलेक्ट कर रहे हो तो 4 सी 1 इंटू 9 सी कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 7 चाहिए टोटल, इसमें 4 सी 2 9 सी 5 आ जाएगा, प्लस 4 सी 3, क्या यहाँ पे 9 सी 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 कितना होता है, 7 होता है। हो गया सारा केस, तो ये सारे केस आप लोग सॉल्व कर लेना कितना रिजल्ट आ रहा है। मेरे पास एनसीईआरटी से आंसर में बता देता हूँ, इसका आंसर सॉल्व करने पे आपका आ रहा है सारे केस सॉल्व करके 1632। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ले अभी लिख लो आप डायरेक्ट आंसर, बाकी टाइम मिले तब सॉल्व कर लेना, बाकी जब टाइम मिले तब सॉल्व कर लेना, अभी आंसर लिख लो 1632, ठीक है। बस आप इतना बता दो कि आपको केस बनाना आ गया, बस ये बता दो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आया, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ये बता दो कि केस बनाना आ गया, यस और नो में लिख दो,